थाईलैंड के एक और बेहतरीन रेस्टोरेंट जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये अमीत भाई का ड्राई फ्रूट, पाकिस्तान का तकरीबन सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट यहाँ से मिलता है। न्यू पार्क होटल नारायण, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नज़ारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला तदाद रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आपको आपके लिए नारायण की नायाब वीडियो लेके आए हैं और हमेशा की तरह रब कादर करीम कोई ना कोई वसीला बना देता है और हम आपके लिए इतनी ज़बरदस्त वीडियो लेके आती हैं कि जितनी कोई भी आपको इस तरह की वीडियो नहीं दिखा पाता नारायण के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, ये मनाजर जो आप देख रहे हैं ये नारायण के हैं और आज से चंद दिन कबल के हैं, वो ज़्यादा नहीं बल्कि मेरे ख्याल 23 रमज़ान मुबारक की ये क्लिपिंग है कि जब मुदसर आलम ऋषि साहब जिनसे हैं वो नारायण से वापस आए थे तो उन्होंने ये क्लिप बनाए हैं और ये आज हम तक पहुँचे हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मुदसर भाई उर्फ मुन्ना भाई जो कि बड़े मशहूर हैं, पार्क व्यू होटल पे होते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वीडियो इन्हीं की ज़बानी होगी, डिटेल होगी, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये सामने जो घंटी का बटन दबा नज़र आ रहा है इस पर दबा कर आल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, कमेंट करें और शेयर भी किया करें हमारी वीडियो को, क्योंकि हम देते हैं आपको पाकिस्तान की तमाम सियासी मकाम की ताज़ा तरीन अपडेट, तो फिर हमारा हक बनता है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और साथ साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नारायण तो बंद है, इसमें तो कोई शक नहीं, सबको पता है, लेकिन फिर भी जो लोग जाना चाहें तो वो कैसे जा सकते हैं, मुदस्सर आलम कुरैशी साहब कैसे गए हैं, तो इसके राज पर से पर्दा उठाएंगे आज मुदस्सर आलम कुरैशी साहब। उनकी ये जो बातचीत है ये पूरी मुकम्मल सुनिएगा और फिर हम आपको बताएंगे क्या आपने भी ये कोशिश करनी है, अगर जानेगी तो कैसे करेंगे और रास्ता कैसा होगा और कितनी देर में आप पहुँच पाएंगे। पहले आप मुदस्सर आलम कुरैशी साहब की बातचीत सुने, फिर इसकी बातचीत सुनने के बाद मेरी बातचीत का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा ताकि आपको फिर मुकम्मल डिटेल में बता सकूं कि आपने करना क्या है। और इसके साथ साथ पेश की ईद मुबारक भी है और जो दोस्त मुझे विश करना चाहते हैं वो कमेंट में ईद मुबारक लाजमी लिखें ताकि मुझे भी एहसास हो कि मेरे चाहने वाले भी हैं। चलें ज़रा मुदस्सर आलम कुरैशी साहब के साथ। और ये देखें जी, थाना नारायण जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है और एक बात आपको बताता चलूं कि नारायण आने वाले जितने हजरात भी हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि थाना नारायण जो कि मांडी के करीब शिफ्ट हुए, मांडी से थोड़ा आगे, तो वहाँ से आप NOC लेकर आएँ, उधर से आपको आपके शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक करके आपको एक पर्ची बना कर देंगे, वो लेकर लाजमी आए, नहीं तो उसके बगैर आगे नारायण की तरफ आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते। जो बंदा वो पर्ची लेकर नहीं आएगा तो उसको वापस सिर भेजते हैं, पर्ची बना कर लाएगा तो फिर उसको आगे आने की इजाज़त मिलती है। ये देखें जी, नारायण के एक और बेहतरीन रेस्टोरेंट जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सर्दियों में सब कुछ उतार कर जाते हैं, वापस आकर फिर ऊपर चादरें वगैरह हर चीज़ लगाते हैं पंजाब तक हाउस वाले। इसी के बिल्कुल साथ लाहौर ब्रॉस भी है, न्यू पार्क होटल लाहौर ब्रॉस बिल्कुल साथ है ये पंजाब तक का, ये ईडन होटल माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा। ये अमीत भाई का ड्राई फ्रूट, पाकिस्तान का तकरीबन सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट यहाँ से मिलता है आपको। ये ग्लोरिया जींस कॉफ़ी शॉप जो हमारी है, आप जब भी नारायण में आए ज़रूर ट्राई करें।
न्यू पार्क होटल नारान, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नज़ारा। नारान होटल पाक पंजाब टिका हाउस बट करोई लोर लोर है और लोअर होटल नारान में। ये दीवान खास होटल है, इसके भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा। ये सो पम्प मेन रोड नारान इस टाइम वहाँ मौजूद है। साबर मेडिकल स्टोर नारान, वैसे तो ये हर टाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन क्योंकि रास्ते नहीं खुले इस वजह से ये भी नहीं आए। जैसे ही रास्ते खुलेंगे तो ये इंशाल्लाह फौरी पहुँच जाते हैं और नारान के लोगों की खिदमत करते हैं माशाल्लाह। नारान का पहला होटल ये गेटवे होटल नारान। और इसी के साथ नारान के बिल्कुल साथ ग्लेशियर जो है बाईपास में जो आके गिरते हैं वो है कापांगा का ग्लेशियर। ये देखें और इसी के साथ गोरियां का ग्लेशियर भी है यहाँ। ये देखें जी ये ग्लेशियर के खूबसूरत नज़ारे। ये नारान का सबसे बड़ा ग्लेशियर गोरियां वाला अभी आप देख रहे हैं। ये है जी इसी के साथ नारान बाजार के बिल्कुल साथ में बहता है जो दरिया कन्हार, इसके बड़े खूबसूरत नज़ारा है। चलें जी यहाँ पर वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। वीडियो ख़त्म करने का तो दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि अभी आप यहाँ से टाल लें और भाई पास की तरफ से फिर आगे नारान चौक की तरफ चले जाएं और हम वो रास्ता भी देख लें, लेकिन चलें अब जारी सी बात है वीडियो को ख़त्म करना भी ज़रूरी था। और इसमें ये देखेंगे जी सिर्फ मुकामी लोगों को वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वो जाएँ अपने होटल वगैरह और दीगर चीज़ों को देखभाल करें। अगर कोई मुकामी बंदा है आपके साथ फिर तो शायद आपको जाने दिया जाए, अदरवाइज़ जाना बड़ा मुश्किल है और ये हर बंदा नहीं जा सकता है। ये ना हो कि आप कोशिश करते रहें भी और फिर ना जा सके तो कहें जी मलिक साहब ये क्या बात आपने बताई थी, आपने झूठ बोला था। उसकी एक शर्त ये भी है कि वहाँ का मुकामी होना बड़ा ज़रूरी है और फिर
वो जो लोग वहाँ काम करते हैं या उसका कोई प्रूफ देते हैं, किसी होटल में काम कर रहे हैं या जिनका अपना ज़ाती होटल है, तो तब आगे इस हालात में, इन हालात में आगे जाने दिया जाता है। बहरकफ, ये तो नरान के ऐसे नज़ारे थे जो कि हमने आपको दिखाए हैं, और हमने कोशिश करती हैं कि हमेशा यूनिक से यूनिक नज़ारे आप तक पहुँचाएँ। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, और यही हमारे लिए आपका इनाम होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। साथ ही दसर आलम कशी साहब का नंबर भी मौजूद है, जिसको भी नारान में कोई किस्म की डिटेल चाहिए हो तो इनसे आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।